तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि मास्टरबेशन किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे सही होनी चाहिए। देखो, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए, क्विट कर देनी चाहिए। बट साइंस ये कहते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम को किसी भी चीज़ को एक्सेसिव क्वांटिटी में कर दो, तब उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि मास्टरबेशन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बल्कि मास्टरबेशन आपको एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। तो बात करते हैं कि कैसे करनी चाहिए। देखो, जब तक टीनेजर के टाइम में जब बच्चे होते हैं तो बहुत तेज मतलब कि मास्टरबेशन इतनी तेज करते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो नसें होती हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो जिसकी वजह से जब वो तेज करते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से नस ब्लॉकेज हो सकती है। और वहाँ पे जब तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो आपको उस टाइम पे तो मज़ा आएगा, बट वो शादी के बाद आपको जब अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तब आपको वो बातें याद आएंगी कि काश उस टाइम पे मैंने ये गलती ना करी होती। उसके बाद जो आज के जो बच्चे करते हैं क्या करते हैं कि बिस्तर के ऊपर रगड़ लेते हैं, या फिर जो बोतल होती है इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, बोतल जो ढक्कन जो आगे से छेद होता है उसके अंदर डाल देते हैं, दीवार के अंदर जाके रगड़ने लग जाते हैं, ऐसी सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस टाइम पे कुछ टाइम तक प्लेजर प्रोवाइड करती है, बट उसके बाद आपको वहाँ पे रैशेज हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे पेनिस के पार्ट पे स्वेलिंग तक हो सकती है। तो उसके अंदर आपको डॉक्टर के पास फिर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। जब आप टॉयलेट करोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत फेस करने में आएगी, दर्द होएगा, वहाँ पे आपको जलन महसूस होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करोगे तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि टीनेजर के टाइम पे अगर आपने ये सारी गलतियों को ध्यान में रख लिया तो ये आपको बाद में फायदेमंद करेगी। जब आप अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे उस टाइम पे ये बातें आपको याद आएंगी कि काश ये चीज़ मैंने नहीं करी होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ हिलाते हैं, बहुत तेज़ हिलाने की वजह से उनके जो वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाता और उसकी वजह से उनका बहुत जल्दी निकल जाता है। बहुत जल्दी निकलने का भी रीज़न ये होता है कि बाद में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, साथ में नाइटफॉल हो जाता है, साथ में जो उनकी नर्व सेल होती है ना वो डिसकनेक्टेड हो जाती है। मतलब जब भी आप सो रहे होते हो तो नाइटफॉल हो जाएगा, उसकी वजह ये होती है कि एक्सेसिव क्वांटिटी में मास्टरबेशन कर लिया होता है और बहुत तेज मास्टरबेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को साइड इफेक्ट उसके देखने को मिलेंगे और वो बाद में आपको अपनी बीवी को सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाओगे, तब आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा कि बीवी किसी और से फिर सेटिस्फाई होगी जो कि मास्टरबेट नहीं करते इस एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर। तो ये सारी बातों पर ध्यान रख लिया और वीक के अंदर मैक्सिमम दो बार कर लेना तो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपके पेनिस के लिए भी, और साथ में आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बात करते हैं कि मास्टरबेशन करना कैसे। देखो, करना ऐसे है कि प्रॉपर पहले तो इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करना, जो भी हमने बोतल बेड पे रगड़ना और जो टॉयलेट की दीवार होती है उस पे रगड़ने की बजाय आप प्रॉपर तरीके से आराम आराम से रिलैक्स होकर कर सकते हो। प्रॉपर पीछे तक लेके जाओगे, जितना पीछे तक लेके जाओगे तो आपकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो प्रॉपर ओपन होगी, प्रॉपर अच्छे से ओपन होएगा और जितना हो सकता है धीरे धीरे करोगे। और काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं एक दिन में तीन तीन चार चार बारी करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट डेंजर आपको लिया है, मतलब डेंजर के साइन पे हो आप अगर आप दिन में तीन तीन चार चार बार कर रहे हो, डेली कर रहे हो, वीक के अंदर एक से दो बारी कर लिया, वेल एंड गुड है। और प्रॉपर तरीके से पीछे लेके जाना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, रिलैक्स होना है। उसके बाद ये ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करेगी, स्ट्रेस फ्री करेगी। सो दिस इज़ आवर वीडियो, एक्सेसिव मास्टरबेशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इस बात का ध्यान में रखते हुए अच्छे से मास्टरबेशन करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ग्रो।